हेलो एवरीवन, आज आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगे जो आप लोगों के पास भी ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। आपको ध्यान होगा मैंने एक बॉटल कट कराई थी और उस बॉटल का लोअर पार्ट आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ में आपको ध्यान होगा पहले कि मैंने इसके तीन पार्ट कराए थे, बड़ी सी बॉटल थी इसके मैंने तीन पार्ट कराए थे। सपोज आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, मेरे पास इस समय नहीं है बट ये बॉटल है मेरे पास। तो आप इस तरह की बॉटल का ये लोअर पार्ट है, मिडिल पार्ट से मैंने कुछ आपको बनवाया था। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। एंड ये अपर का मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आज बारी है बॉटम की। बॉटम मैंने सीजर से कट कर लिया था। अब इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, तो शार्प एजेस को कैसे स्मूथ करें, तो उसके लिए मैंने आज यहाँ पे, घर में सभी के पास है प्रेस, तो मैंने प्रेस ली हुई है। तो आज हम कपड़े प्रेस नहीं करेंगे, हम बॉटल को हल्का सा, जस्ट ये देखिए, जस्ट इसमें आपने टर्न किया, ये आपको शो हो रहा होगा, फोकस प्रॉपर है, तो मैं फोकस देखती हूँ। तो ये जस्ट आपने जस्ट प्रेस रखी, बॉटल का लिया एंड ये आप बॉटल आपको शो हो रही होगी प्रॉपर। एजेस देखिए कितने शार्प हैं। शार्प एजेस के साथ में हम घर में नहीं रख सकते हैं बिकॉज कई बार खुद को चोट लग सकती है। तो इसके लिए सिंपली ये देखिए, ये मैंने बॉटल ली, बॉटल और प्रेस आपने बस लिया और इसको जस्ट ऐसे घुमा दिया, राउंड 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 राउंड। गर्म प्रेस होगी तो ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। और ये बिल्कुल आपका, ये देखिए अंदर जो एजेस हैं इसके वो अंदर चले गए हैं, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। मैं प्रेस हटा देती हूँ, स्विच ऑफ कर देती हूँ प्रेस का। ओके, तो एजेस स्मूथ करना कितना आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। अब इसके बाद मैं इसमें बहुत जल्दी से जो चीजें रेडी हो जाएंगी आज हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। अगेन ये मैं इधर से रखती हूँ। कुछ सरफेस जरूर ले लीजिएगा जिससे कि बहुत इजी गोइंग हो जाता है। और उसके बाद ग्लू लीजिए, हाँ आप इसको हैंडी कर सकते हैं। ग्लू के साथ में आपने इसको पूरे में आपको ग्लू लगाना है और बहुत जल्दी ग्लू लगाना है आप, क्योंकि ग्लू गिरने लगता है। तो उसको गिरने से पहले ही हमें ये ग्लू पूरा अच्छे से इसको लगा देना है। कितने अच्छे से ये ग्लू लगेगा उतना ही हमारे लिए ठीक होगा। ये बेस में सब जगह मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया है। लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कहीं पे रह गया है तो आप उसको वापस से लगा लीजिए, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। इसके बाद ये है सैंड रिवर, रिवर सैंड या मोरंग भी सब लोग जानते होंगे, जो हमारा जब हम लोग घर वगैरह बनवाते हैं तो उसमें ये बहुत यूज आती है। सिंपली आपको इसको थोड़ा सा काम है जिसमें से गंदगी होती है, बट पीस आपका बहुत क्लासी रेडी हो जाएगा। इसका तो आई थिंक मटेरियल आपको कहीं भी परचेज करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत आराम से मिल जाता है इसमें बिल्कुल भी। और ये जो आपको वाइटनेस इसमें शो हो रही है, ये जैसे ही आपका ये ड्राई होगा ये जो ग्लू है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ग्लू जब आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये आपका पीस ड्राई हो जाएगा, फिर ये आपका बहुत ही क्लासी पीस रेडी हो जाएगा। जस्ट ये आपका मतलब मड वर्क बोलेंगे जिसको, उस तरह का वर्क ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो प्लांटर हमने बनाया था बॉटल के बेस पार्ट से, वो हमारा रेडी हो गया है। अब ये जब इसको भी ड्राई टाइम अच्छा से चाहिए, ओवरनाइट इसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो इसको अब आप जब ये देखिएगा अच्छे से हो गया है तो एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर लीजिएगा, मैंने इसीलिए टोकरी से इसको नहीं निकाला था। आपको इसमें कलरिंग करनी है तो ये मैं इसमें कलरिंग आपको शो करती हूँ। आप सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपको कलर करना है तो आप कलर करके भी इसको रख सकते हैं।
कलर आप एक्रेलिक कलर यूज करेंगे इसमें, या किसी डिजाइन में अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो किसी डिजाइन में भी आप इसको बना सकते हैं, और पूरा अगर आप कलर करना चाह रहे हैं तो आप पूरा भी इसको कलर कर सकते हैं। पूरा कलर करने से बेनिफिट ये रहेगा, ये एक्चुअल में कोई गेस नहीं कर पाएगा इसको कि ये बना कैसे है। ये देखिए कितना डिफरेंस इसमें आ गया है, ये इधर से एंड ये इधर से। तो ये बस मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हम प्लांटर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एज ए पेन स्टैंड भी यूज कर सकते हैं, एंड किचन में भी आप इसको स्पून स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। बट जब आप इसमें अगर कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, एज ए प्लांटर इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें इसके बॉटम में आपको होल करना रहेगा। तो बॉटम में होल करने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही जब आप बॉटल कट करते हैं उसी समय आपको बॉटम में होल करना रहेगा। इसके बाद इसको थोड़ी देर वेट कीजिए, ये ड्राई जैसे ही होता है। आफ्टर ड्राइंग इसमें कलर्स हल्का सा, आप इसमें कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप पोल्का डॉट रख सकते हैं। अगर आपको पोल्का डॉट नहीं रखना है तो आप सिंपली शिमरी कलर इसमें जस्ट टचअप दे सकते हैं, या फिर प्लेन आप इसको सॉलिड्स में भी रख सकते हैं। सॉलिड्स में कई सारी आपने बॉटल्स का बॉटम कट किया और एक साथ में रख लिया, आप इसमें फेस भी बना सकते हैं, जो स्माइली फेस आते हैं, आप स्माइली टेक्सचर इसमें भी, वो आईज एंड नोज एंड लिप्स बहुत प्यारे लगते हैं, आप वो भी इसमें दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, आपका अपना घर है, आप अपने हिसाब से अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने जस्ट बेस आपको बताया, कलर करके शो किया, इसमें पोल्का डॉट देना है आप पोल्का डॉट दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो आप जस्ट शिमरी इफेक्ट भी दे सकते हैं। एक मैं छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे कलर्स वैसे भी बहुत पसंद है। ये मैंने ब्रश में कलर लिया, कलर लेने के बाद ये जस्ट अच्छे से कलर है, जस्ट आप इसमें ये देखिए, ये आपको शो हो रहा होगा आई थिंक बहुत बेटर वे में। यस, ये आपने ब्रश लिया, ब्रश में कलर येलो लिया, कॉम्बिनेशन मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपका ब्रश हो गया एंड ये आपने नीचे इसको जस्ट स्ट्रोक्स, ये देखिए और ये सिंपली ब्रश में, और ये सिंपल स्ट्रोक आपको स्ट्रोक्स देने हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये देखिए सिंपल स्ट्रोक देने हैं। तो ये आपका शेडिंग इफेक्ट अपने आप इसमें क्रिएट हो जाएगा, येलो कलर भी प्रॉम्प्ट होके नहीं आ रहा है। और ये देखिए ये प्लेन डिजाइनर ये हो गया आपका, प्लेन आपका ये हो गया। पोल्का डॉट रखना है तो पोल्का डॉट भी आप ब्रश से रख सकते हैं, पोल्का डॉट मीन सिंपली सर्कुलर डॉट्स। तो ये आपका रेडी हो गया है प्लांटर, आप इसके अगर सॉलिड्स में रखना चाह रहे हैं आई थिंक सॉलिड्स में रखिएगा, बहुत प्यारे लगते हैं, बेबी पिंक हो गया, टील ब्लू हो गया, जो लाइट ग्रीन कलर होता है वो हो गया, लेमन येलो हो गया, मैजेंटा कलर, सारे ही कलर सब प्यारे लगते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोगों को ये DIY बहुत पसंद आया होगा। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट DIY के साथ, टिल देन बाय बाय।